मध्य प्रदेश में वार्षिक बजट पेश कर दिया गया है। 1,70,000 करोड़ का कर बजा बड़ा प्रावधान किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में बजट में एलोकेशन किया गया है और अब हम उस बजट की समीक्षा कर रहे हैं यहां पर। और एक आम आदमी के मन में जो सवाल इस बजट को लेकर उठते हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स जो आम लोगों को प्रभावित करते हैं, उस सेक्टर्स में जो बजट में एलोकेशन किए गए हैं, इसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। किसानों के क्षेत्र में, उनके कृषि के क्षेत्र में किसानों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, उद्योगपतियों पर इसका कितना असर पड़ेगा। उसके अलावा इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यह बजट क्या विशुद्ध रूप से एक चुनावी बजट है या गांव गरीब का बजट है। और इसी पर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में दो मेहमान पहले से बने हुए हैं, कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि जी और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। इस वक्त हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी। भूपेन्द्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बजट में जो आज पेश किया गया है। भूपेन्द्र सिंह जी, इस बजट को लेकर आप अपनी क्या, इसकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस बजट को लेकर? सर जी जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, यह बजट राज्य के विकास के साथ साथ इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये प्रावधान किए गए हैं, और इससे एक उज्ज्वल मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, भविष्य के मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, और विकास के साथ साथ हमारा प्रदेश, जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, वो युवा पीढ़ी हमारे प्रदेश का भविष्य है, और उस युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट में ये देश में पहली बार हुआ है कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट हमने राज्य के जो हमारे छात्र हैं, जो अपनी शिक्षा 12th के बाद आगे करने में आर्थिक कारणों से जिनको कठिनाई होती थी, वो बच्चे अब उनकी फीस भरने का काम जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है और उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, उन बच्चों की फीस भरने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और इस तरह से हमारे राज्य के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका आगे का जो भविष्य है वो भविष्य उज्ज्वल होगा, वही हमारे राज्य का भविष्य है। और ये प्रावधान पहली बार हमारी सरकार ने देश में, मैं समझता हूँ पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरा, हमारे सामने जो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है वो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की है, ठीक है। और इस जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा हो गया है कि जहां पर हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा, मां नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की हुई है, ठीक है, और जो एक जन आंदोलन बन गया है जिसमें लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और जल संरक्षण की दिशा में ये देश में नहीं दुनिया में अभिनव पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इससे जहां हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा, वहीं पर जल संरक्षण भी होगा। और ये पहली बार हो रहा है कि बहुत कम सरकारी खर्चे पे लोग अपनी तरफ से सारा खर्चा कर रहे हैं, यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, आरती हो रही है, लोग संकल्प कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग पूरा नर्मदा शुद्धिकरण और, ठीक है, उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग, भूपेन्द्र जी ने आपका कहना है कि युवा पीढ़ी के साथ साथ जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे बढ़ रहा है राज्य, और यही वजह है कि इसमें प्रावधान कई सारे किए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है वो है महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा को लेकर। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, और 2016 के जो आंकड़े बताते हैं कि 4,000 महिलाओं के साथ रेप किया गया। क्या आपको लगता है कि कुछ प्रावधान इस दिशा में भी इस बजट में होना चाहिए था? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की कानून व्यवस्था को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और उसी का परिणाम है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का
टापू शांति का टापू कहलाता, देश में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं पर है तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट सहस्त किया, ठीक है, जहां पर क्राउड मैनेजमेंट में पूरे विश्व में हमारी प्रशंसा हुई, वर्ल्ड गिनीज बुक में वो दर्ज हुआ। इसके बाद जो जेल ब्रेक हुआ, उस जेल ब्रेक में 108 आतंकवादियों को हम लोगों ने, हमारी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराने का काम किया, जो देश में इतना बड़ा पहला इनकाउंटर होगा। तीसरा, अभी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस ने एटीएस के माध्यम से, ठीक है, जो एक पूरा आतंकवाद का नेटवर्क चल रहा था, जो एक पैरेलल एक्सचेंज आतंकवादियों का चल रहा था, हाँ, उसको ध्वस्त करने का काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा करने का काम किया। ठीक है, जहां तक रेप का मामला है, हाँ, मेरा आपसे इसमें निवेदन है कि रेप जो है वो दो तरह की घटनाएं होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें वास्तव में रेप होता है, हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि मान लो किसी लड़के लड़की में आपसी सहमति से संबंध बन गए, हाँ, और उसके बाद अगर लड़का कहीं दूसरी जगह शादी करता है तो फिर वो लड़की शिकायत करती है कि हमारे साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए और उसके बाद हमें ये, तो वो कानून में 376 की पुलिस की जांच का विषय रहता है कि किस स्तर पर क्या है। प्रकरण, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता में सरकार के सबसे ऊपर होनी चाहिए और उसको लेकर कुछ प्रावधान होने चाहिए? तो जब बजट बनता है, वित्त विभाग की तरफ से तमाम अलग अलग विभागों की तरफ से सुझाव मांगे जाते हैं, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से आपके विभाग की तरफ से सुझाव दिए गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता में हो? क्या इस तरह के सुझाव दिए गए थे? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग अभी इस बजट में हमारे पुलिस विभाग को करीब 5,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने अभी पूरे 5 वर्ष में, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम 35,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं। अभी हम लोग 12,000 लोगों को अभी भर्ती की है, अभी ज्वाइन कराया है, 6,000 की इस वर्ष फिर भर्ती हम, ठीक है, कर रहे हैं। हमारे पूरे स्टेट में हम सीसीटीवी होना भी चाहिए और बहुत जरूरी है क्योंकि गंभीर विषय है, इस पर काम होना भी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर जी लगातार राज्य है। गिरिजाशंकर जी, आप सीधे अगर गृह मंत्री से भी कुछ सवाल करना चाहें, भूपेंद्र सिंह जी से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। गिरिजा जी, नहीं, सवाल का वो नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है कि जो युवाओं की पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की गई है 1,000 करोड़ का, वाकई वो यूनिक है और इससे प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को निखरने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। दरअसल देखिए, यदि आप विभागवार और मदवार यदि चर्चा करेंगे तो इस बजट पर तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन चर्चा करनी होगी। मोटे तौर पर जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप पर बात हो सकती है, क्योंकि हमको देखना चाहिए कि ये बजट उस सरकार का है उस जो लगातार 13 साल से सत्ता में काबिज है और 13 साल से लगातार जो कुछ भी काम सरकार में हुआ है उसका रिफ्लेक्शन इस बजट में होना चाहिए। हाँ। जैसा वित्त मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो बहुत सारी योजनाएं सालों से चल रही हैं और उन्हीं पर बजट का प्रावधान किया गया है। हाँ। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है वो नहीं आती, ठीक है। जो 7वां वेतनमान कर्मचारियों को देने की बात थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो घोषित कर दिया है तो देर सवेर स्टेट गवर्नमेंट को देना ही था। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश के सरकार में लगभग आधे कर्मचारी या तो संविदा में हैं या अनुबंध में हैं या तदर्थ काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट सर्विस के जरिए वो उनको नौकरी सरकार में मिलती, सरकार में काम करते हैं। उनके हितों के प्रति इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार में जब बजट बनाते हैं, चाहे घर में बजट बनाएं चाहे सरकार में बजट बनाएं, तो पहले देखना होता है कि जो बजट में प्रावधान है उनका यूटिलाइजेशन कितना बेहतर ढंग से हो रहा है। जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं जिनके वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ती है उसको कैसे रोका जाए, और जो फिजूल खर्ची है उन फिजूल खर्ची को चिन्हांकित करके उनको रोकने की दिशा में कोई बात ऐसी नजर नहीं आती। यदि मैं देखूं, हाँ, कि पिछले 4-5 सालों से जो स्टेट का ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रोथ रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे अधिक है। उसके बावजूद, हाँ, जो वित्त मंत्री का जो भाषण है उससे कुछ लाइन में आपको पढ़ता हूं जी। प्रदेश न केवल बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आए, यानी कि
अभी तक प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर नहीं आया है। ठीक है, प्रदेश की विकास यात्रा में यह हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है कि प्रदेश न केवल बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आए बल्कि प्रदेश को विकसित होने की राह में अग्रसर करें। ठीक है, ये जो लाइन उनके भाषण की है ये कहीं इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो पिछले लगातार 4-5 सालों से जो ग्रोथ रेट सरकार बताती रही है वो कहीं यहां उस रूप में रिफ्लेक्ट नहीं होती। यदि 13 साल की सरकार के बावजूद आज बीमारू राज्य में है, इस पर चर्चा जरूर करूंगा। सोहन वाल्मीकि जी, मैं आ जाना चाहूंगा आपसे कि अगर एक शब्द में अगर मैं आपसे प्रतिक्रिया मांगू कि इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये आंकड़ों का खेल है। ठीक है, और जिस तरीके से जो बताया गया है वो जमीनी स्तर पे, जो मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए हैं निकाल के, तो ये कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की स्थिति है ये बजट। जिस तरीके से जो अपेक्षा थी हम लोगों को, सर पूरे प्रदेश की जनता हुई, वो जनता की से अपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं उतरी है, और निश्चित रूप से ये निराशाजनक बजट है जिसमें किसी जनता को फायदा नहीं मिल पाएगा इसमें, आम लोगों को। ठीक है, आप तीनों लगातार बने रहिए, चूंकि हम यहाँ पर बजट जो पेश हुआ है बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रावधान किए गए हैं उसका क्या मतलब है। जैसा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी ने बताया कि अब यहाँ पर यह देखना होगा कि बजट में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं और कितना और किए जाने की जरूरत है, चूंकि लगातार 13 साल से प्रदेश में सरकार है। ऐसी स्थिति में क्या ये बजट होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया, इस पर बातचीत करते रहेंगे। लगातार मेहमान बने हुए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद स्वागत है आप सभी का। शिव के बजट बुनांसा पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट जो पेश किया गया है उसमें क्या प्रावधान है और क्या ये बजट कहता है आम आदमी के लिए, इस बजट में क्या है, और लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, भूपेंद्र सिंह जी गृहमंत्री हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी, और इस बीच हमारे साथ में शैलेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं लगातार आपसे चर्चा करता रहूंगा। भूपेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे थे, आपने बीच में यहां पर एक बड़ा जिक्र किया था आतंकी गतिविधियों को लेकर। आज के इस बजट में नक्सलवाद को लेकर एक प्रावधान किया गया है कि उसके लिए एक अलग से बटालियन का गठन करने का ऐलान हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में स्वागत योग्य कदम है? लेकिन उसके अलावा एक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी जो चुनौती है वो आतंकवाद के मोर्चे पर है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों का पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश जो है वो गढ़ बन गया है, अड्डा बन गया है, लगातार यहां पर षड्यंत्र किया जा रहा है। आपने खुद आपने उस बात का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि इस बजट में इसको लेकर भी कुछ प्रावधान हो सकते थे या होने चाहिए थे? नहीं, देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा जिस तरह से विशेष रूप से साइबर क्राइम एक चुनौती हम लोगों के लिए है, उसके लिए देश का सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ हम लोगों ने ली हुई है, उस टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो एक पैरेलल एक्सचेंज चल रहा था इसको हम लोग पकड़ने में सफल हुए। तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए आतंकवाद से चुनौती के लिए वो, प्लस पुलिस बल और नक्सलवाद से निपटने के लिए एक, वैसे हम सब आज मध्य प्रदेश हमारा ऐसा है कि हम नक्सलवाद से लगभग हम लोग, हमारे यहाँ शांति है, नक्सलवाद पे पूरा नियंत्रण है मध्य प्रदेश सरकार का। ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कोई घटना नहीं हो रही नक्सलवादी। हाँ। उसके बाद भी हमने सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक अलग से बटालियन बालाघाट में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक अलग पूरी बटालियन होगी। हाँ। एक बटालियन जो होती है वो लगभग 1000 पुलिस बल उस बटालियन में होता है, और इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हमारे राज्य में पूरी तरह से राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हो, और किसी भी तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद और डकैती समस्या भी हम लोगों ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में समाप्त कर दी है, और इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है, इसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं। गिरिजा शंकर जी, इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि आतंकवाद एक लगातार बढ़ती चुनौती है पिछले कुछ समय के दौरान, चूंकि लगातार सिमी के गतिविधियों का केंद्र रहा है, अभी चूंकि आईएसआईएस से जुड़े कुछ मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं, लगातार जो है गतिविधियों का केंद्र बढ़ता जा रहा है और ये एक चुनौती का विषय है, क्या इसको लेकर आपको लगता है मन में कुछ प्रावधान होने चाहिए या फिर कुछ आगे कुछ बड़ी रणनीति होनी चाहिए?
देखिए मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कि आज अपन बजट पे डिस्कस कर रहे हैं या जो जो सुरक्षा है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल जो आपने बात कही है और गृह मंत्री जी सामने हैं तो मैं एक देखूंगा कि एक तस्वीर जो हमारे सामने उभरती है, एक तरफ चाहे सिमी के आतंकवाद हो, चाहे वो आईएसआई का आतंकवाद हो, चाहे डकैत समस्या हो, चाहे नक्सल समस्या हो, ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया है और इन तमाम चीजों को जिस तरह से इस पर नियंत्रण पाया है, इनको खत्म किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें हत्या है, डकैती है या रेप है, उसमें मध्य प्रदेश की गणना देश में पहले 2-3 राज्यों में होती है। ये विरोधाभास जो है वो क्यों है, शायद गृहमंत्री जी इसको ज्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, मैं चूंकि आपने कहा कि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर बजट पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर ये विषय भी सुरक्षा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है, लिहाजा मैंने ये सवाल आपसे किया। हमारे साथ में शैलेन जी जुड़े हैं। शैलेन जी, मैं आप जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस बजट को लेकर, क्या सोचते हैं आप? आप बजट का जो भाषण है उसकी शुरुआत हमारे वित्त मंत्री ने करी थी, वो खुद बहुत बड़ी निराशा के साथ उन्होंने करी थी। आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अब विकासशील देशों के लिए पूर्व के भांति अनुकूल नहीं है, तो मान ही रहे हैं कि स्थिति अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो बड़े जोर से ये कह रहे थे कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया, जबकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सबसे ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं। वैट टैक्स जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसे कम करना था, कम तो किया नहीं। ये जो बजट था नोटबंदी के बाद का और जीएसटी के पहले का बजट था, बहुत मायने रखाता था, लेकिन जो आंकड़ों की बाजीगरी उन्होंने की है वो बड़ी गजब की उन्होंने बाजीगरी करी है। एक और तो वो कहते हैं कि हम किसान हितेशी है, क्योंकि उन्होंने जो सबसे ज्यादा फोकस किसानी के ऊपर किया, अब सिंचाई परियोजना में जो वर्ष 2015-16 में जो बजट खर्च किया गया था वो 6,607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और 2016-17 में बढ़ा के 8,613 कर दिया था, 30% का उसमें बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 17-18 के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ा के 9,830 कर दिया, दैट मीन्स ओनली 10% से 11% के बीच में उन्होंने बढ़ाया। कुल मिलाकर अगर किसानी का हम इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़ के किसानी पर आ रहे हैं, किसान प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों भैया? क्योंकि जो भाव है, जो किसान सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है, वो भाव दिलाने में सरकार कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाई है। चाहे पहले बोनस दिया जाता था प्रदेश में, 2 साल से बोनस भी बंद हो गया और इसके कारण किसान की भी हालतें बहुत नीचे जा रही। और एक और बात, इस बजट में कोल्ड स्टोरेज की चेन की बात करी थी कि हम कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाएंगे। आप देखेंगे प्रदेश में जितने भी वेयर हाउसेस हैं वो किन लोगों के, किसानों के वेयर हाउसेस तो है नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों के वेयर हाउसेस हैं। अब कोल्ड स्टोरेज भी इसी तरीके से बिचौलियों के, अधिकारियों के और बड़े बड़े लोगों के हो जाएंगे, किसानों को उससे फायदा नहीं मिलने वाला। और जो सबसे ज्यादा जो कृषि के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं उन सब्सिडी वाली योजनाओं में कर रहे हैं जिसका लाभ नीचे नहीं पहुंच रहा। मैं अंत में अपनी बात में ये बात कहना चाहूंगा, क्यों एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एमओयू साइन वो कर रहे हैं और इतने एमओयू साइन होने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट मध्य प्रदेश के अंदर आ नहीं रहे, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के चलते लगातार इंडस्ट्रीज आ नहीं रही है। भूपेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आंकड़ों से बजट नहीं चलता है, बजट जो होता है वो बजट वास्तविकता से चलता है। और जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तो अगर हम किसानों की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में देश में मध्य प्रदेश लगातार पिछले 4 वर्षों से पहले स्थान पर है। ये इसलिए है पहले स्थान पर कि मध्य प्रदेश में हम किसान को पर्याप्त बिजली देने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमने सिंचाई का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत जो कांग्रेस के समय 18,000 हेक्टेयर था उसको बढ़ाकर हम अब 70,000 हेक्टेयर पे हमारे मध्य प्रदेश का सिंचाई का प्रतिशत हो गया है। हम सिंचाई के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं। तीसरा, हमने इसी वर्ष अभी किसानों को फसल बीमा का 8,000 करोड़ रुपए देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। जहां तक किसानों की आत्महत्या का प्रश्न है तो मध्य प्रदेश में किसी भी किसान ने, कुल 3 किसानों ने कृषि में घाटे के कारण आत्महत्या की है। बाकी प्रदेश में कृषि में घाटे के कारण कहीं पर भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। जो आत्महत्या हुई है वो किसान हो सकता है,
पर उसके अपने कारण है, कोई पारिवारिक कारण है, कोई तनाव का कारण है, कोई बीमारी का कारण है। व्यवसाय कृषि हो सकता है, पर कृषि में घाटे के कारण प्रदेश में एक वर्ष में कुल 3 किसानों ने आत्महत्या की है, और इसलिए ना किसानों की आत्महत्या हो रही है, लगातार कृषि उत्पादन हमारा प्रदेश का बढ़ रहा है, और इस साल का जो उत्पादन है वो तो मैं समझता हूं कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस साल के जो ईश्वर की कृपा है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारे रिकॉर्ड इस साल के टूटेंगे। और भारत में कृषि से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कृषि को हम जितना मजबूत करेंगे उससे हमारे राज्य की इकोनॉमी, आज राज्य अगर सफलता से आगे बढ़ रहा है। भूपेंद्र जी, यहाँ पर आपने आंकड़ों की जिक्र कर दिया और आंकड़ों की बाजीगरी की बात कांग्रेस के लिए आपने पेश कर दिया कि महज 3 किसानों की मौत हुई है सिर्फ इसकी वजह से, जबकि हम लगातार बता रहे हैं चैनल के माध्यम से कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। बहरहाल ये अलग विषय हो जाएगा, जैसे कि गिरिजाशंकर जी कह रहे थे कि फिर ये विषय हम पटक जाएंगे। गिरिजाशंकर जी, इन सबके बीच में बजट को लेकर महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूं। वो सवाल ये है कि इससे पहले लगातार हम खबरें आती रही हैं कि भारी भरकम सरकार ने कर्ज ले रखा है अपनी अलग अलग योजनाओं को चलाने के मकसद से। एक बार फिर से बजट में जिस तरह के प्रावधान है अलग अलग रंगों को लेकर, साफ संकेत है कि मध्यप्रदेश सरकार आगे भी कर्ज लेगी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। क्या कर्ज में डूबा राज्य ही विकास का संकेतक कहला पाएगा, क्या आप मानते हैं? आने वाले साल में या बजट जो कर्ज और लेना है, इस बात का उल्लेख तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ही कर दिया है। देखिए, कर्ज लेना कोई बुरी बात है ऐसा नहीं माना था, लेकिन कर्ज लेना कोई अच्छी बात है ये भी नहीं है। सवाल ये है कि चाहे आप कर्ज लें, चाहे आपके रेवेन्यू कलेक्शन से आपका पैसा आए, जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह हो रहा है, उसमें जो फिजूल खर्ची और जो प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ती है उसको आप कैसे रोक रहे हैं। बजट में बड़ा इम्फेसिस इस बात पर होना चाहिए था कि जो कुछ सरकार का धन है जो खर्च हो रहा है अलग अलग योजनाओं में, उसको वो सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, इस बात पर बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता कि आपने जितना एलोकेशन है उतना खर्च कर दिया। खर्च करना महत्वपूर्ण नहीं है, देखना यह है कि वो सही माने में उसकी उपयोगिता है कि नहीं। जो कृषि विकास की बात हो रही है और पैदावार की बात हो रही है, पिछले 4-5 सालों से कृषि कर्म अवार्ड मिल रहा है, और कृषि वित्त मंत्री के भाषण में एक लाइन है, कृषि भूमि के एक बड़े भाग का परिवर्तन प्रतिवर्ष गैर कृषि प्रयोजन के लिए हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि कई तरह के विरोधाभासी तस्वीर हमारे सामने आते हैं जी। तो मुझे तो इस बजट से बहुत खुशी होती जब किसी जो 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 सामाजिक क्षेत्र में जो जिसको आप कह सकते हैं कि मुफ्त में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म देने का हो, पाठ्य पुस्तक देने का हो, साइकिल देने का हो, मुफ्त इलाज का हो, या तमाम जो चीजें हैं, वो जो आम आदमी है उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया गया है ये नहीं दिखता। बिल्कुल, बहुत बेहतर होता कि 13 साल की लगातार कोशिश के बाद इस बजट में सरकार ये कहती कि हम ये दो योजनाएं जो सामाजिक कल्याण की चला रहे थे, जो मुफ्त में लोगों को जो सेवाएं दे रहे थे, हम उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे प्रदेश की जनता इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि उसको सरकार के इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं सरकार को आने वाले समय में लोगों को जो उनके बिल्कुल जो सुविधाएं और सेवाएं जो उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, आपने कही कि लोगों को राहत और सब्सिडी देने के बजाय जरूरी है कि आर्थिक रूप से इतना आत्मनिर्भर कर दिया जाए कि उनको जरूरत बनाया जाए, उनकी परचेसिंग पावर को बढ़ाया जाए, तो जाहिर तौर पर स्थितियां बहुत हद तक सुधरेंगी। गृहमंत्री जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय वो ये है, वो है शराब को लेकर। इसमें एक जिससे कि अभी जिक्र कर रहे थे, तो आप जो बजट का भाषण है उसमें एक जिक्र है, मध्य संयम नीति का उन्होंने ऐलान किया, उसके तहत कई अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि सोशल मीडिया के जरिए पाठ्यक्रमों में भी इसे शामिल किया जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये सिर्फ औपचारिकता निभाती हुई सरकार नजर आती है, मध्य संयम नीति की जगह मध्य निषेध नीति की तरफ सरकार क्यों नहीं बढ़ती? देखिए, ये सरकार मद्य निषेध की तरफ ही बढ़ रही है नितेश जी, और मैं आपसे निवेदन करूं कि वर्ष 2011 से लेके अभी तक एक भी मध्य प्रदेश में नई शराब की दुकान हम लोगों ने नहीं खोली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, और ये एक साथ आपने देखा कि मान अरबदा सेवा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
68 शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। हमने 11 से लेकर आज तक किसी भी नई डिस्लरीज को मध्य प्रदेश में शराब निर्माण का लाइसेंस नहीं दिया है, उस पर हमारी सरकार ने रोक लगाई हुई है और मध्य प्रदेश धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टीम भेजी है जो गुजरात और बिहार का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी और उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे ये जरूरी भी है, प्रदेश के लोगों की मांग भी है और कहीं ना कहीं भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शैलेंद्र जी, मैं शैलेंद्र जी एक वातावरण ऐसा बन जाए जी, शैलेंद्र जी मैं आपसे जाना चाहूंगा सकारात्मक के तक के अगर चश्मे से देखें इस बजट को, पॉजिटिविटी की नजर से अगर देखें इस बजट में, तो आप इस रूप इस बजट में कहां कुछ ऐसी चीजें पाते हैं कि जो बेहतर है और इसमें और बेहतर की गुंजाइश थी, आपकी कुछ सुझाव इस पे देना चाहेंगे? तो सबसे पहली बात तो जो विधवा पेंशन सबके लिए चालू की वो हम कहीं ना कहीं उसको बेहतर इसलिए कर सकते थे कि जो मात्र 300 रुपए करी है, 300 रुपए महीने में किसी का काम नहीं चलता, अगर बढ़ाना था तो दूसरे प्रदेशों की तरह से 1000 रुपए बढ़ाना था, बताइए कि कम से कम उन्होंने बढ़ाया है। नंबर दो, वो गरीब की थाली की बात कर रहे हैं, गिरिधर शंकर जी ने बड़ी बेहतर तरीके से वो बात रखी है कि हमें आत्मनिर्भर लोगों को बनाना है, रोजगार बेरोजगारी दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ बच्चों को वजीफे की बात कर रहे हैं, उनको 85% से ज्यादा आते हैं तो सरकार खर्चे उठाने की बात कर रहे हैं लेकिन नौकरी कितने लोगों को दे रहे हैं इस और सरकार की कहीं पे कहीं बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश के अंदर प्राइमरी शासकीय स्कूल बंद के कागार पे, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर कोई बात नहीं की, हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के ऊपर अगर सरकार कहीं बात करती तो निश्चित रूप से वो ज्यादा बेहतर होता और जब शिक्षा बेहतर तरीके दी जाती तो बेरोजगारी की समस्या भी कहीं ना कहीं प्रदेश से खत्म होती। बिल्कुल, यानी कि जैसे कि अभी गिरिजा शंकर जी भी कहा था कि अगर हम एक एक प्रावधानों पर बात करेंगे तो हम बहुत लंबी बहस इस पर कर सकते हैं। सर वाकई में ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि कई ऐसे अलग अलग प्रावधान है जिस पर अलग अलग सेक्टर जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल ये यहां पर बात कर सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में खासतौर से जो लोगों को प्रभावित करते हैं उसमें सिर्फ बजट एलोकेशन से नहीं ध्यान का काम चलेगा, उसमें गुणवत्ता सुधार किस तरह से हो इस पर भी बेहतर तरीके से काम करना होगा। बहरहाल आप सब इस स्टूडियो में शामिल हुए, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश का लेखा जोखा पेश कर दिया गया है, अलग अलग सेक्टर्स में देने की कोशिश की गई लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें सेक्टर्स ऐसे भी है जहां पर उम्मीद थी कि कुछ बेहतर किया जाता तो और भी बेहतर होता। बहरहाल देखते हैं कि कितना असर इस बजट का आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे भी खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।